हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड अमन। तो आज हम जो केस करने वाले हैं होंडा की अमेज नई शेप ये रहने वाली है। जो नई शेप होंडा निकाली थी अभी लेटेस्ट शेप यही है होंडा अमेज की। तो ये प्री ओन्ड फॉर सेल अवेलेबल है एट द्वारका मोटर्स। तो इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं और क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं वो सारी हम उनके ऐसे ही पूछेंगे। बाकी एक छोटा सा वॉक अराउंड आप देख लो, सिनेमैटिक शॉट मैंने आपको दिखाई दिया, मोस्टली आपको उसमें पता लग ही गया होगा। बाकी जितना हो सके हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। बाकी सिनेमैटिक शॉट आपको कैसे लगे वो ज़रूर कमेंट करके बताऊँ। तो अभी हम अमन भैया को इन्वाइट करते हैं। कैसे भैया? तो आज अमेज दिखा रहे हैं भैया, बताओ इसकी डिटेल्स। भैया 2018 मॉडल है, एस वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, 71,000 किलोमीटर रनिंग। और ओनर? ओनर फर्स्ट है, प्योर पेट्रोल ओनर फर्स्ट। ओके, तो डीएल रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। बाकी इसमें लोडिंग्स में अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसमें एक अलॉय व्हील ज़्यादा दिख रहे हैं जो इसमें बाहर से लगे हुए हैं, और कुछ टाइप आर कुछ ऐसा बना रखा है, पीछे बैजिंग भी हो रखी है। बाकी इस वीडियो में आपको इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा आपको दिखाएंगे, बाकी आप फिर जज कर सकते हो आपको ये गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी। तो भैया प्योर पेट्रोल आपने ये बताया ना, तो पेट्रोल में कितने की माइलेज देती होगी? कम ही होगी उसकी माइलेज? कम क्या, मैं आपको बता दूं, ये लोकल में कम से कम 12 से 15 के बीच में दे देती है। 12 कम है, अगर 13-14 दे रही है तो ठीक है फिर। 12 से 15 के बीच में लोकल में, एसी में बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, तो इसमें सीएनजी वगैरह का ऑप्शन रहता है? सीएनजी का ऑप्शन रहता है, बट ये आज तक पेट्रोल पे चली हुई, मतलब लगवा सकते हैं बाहर से। कंपनी से सीएनजी नहीं आती ना इसमें? कंपनी से सीएनजी नहीं आती। तो भाई ये कुछ बैजिंग कस्टमर ने करा रखी है टाइप आर की, तो ये अलॉय व्हील से लगा रखे हैं, ऐसा कुछ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशंस कर नहीं रखी। तो इसमें अगर हम आपको बूट दिखाएं तो ऐसा कुछ आपको बूट मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस है इसमें। तो भैया सीएनजी लगाने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच जाएगा सेडान में, तो रहता ही स्पेस है, सीएनजी लगाने के बाद भी स्पेस रहता है। हाँ, तो सेडान गाड़ियों में तो इसमें आप फिर अपने डफल बैग्स वगैरह भी रख सकते हो, बड़े बैग्स भी रखे जा सकते हैं। स्टेपनी की क्या कंडीशन भैया? स्टेपनी तो बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। तो भैया 70,000 चल चुकी है, तो फिर इसके टायर तो चेंज हुए होंगे बीच में? भैया टायर चेंज हुए थे, जिस कस्टमर की गाड़ी है उन्होंने अलॉय व्हील के चक्कर में टायर चेंज कराए थे। तो अभी 71,000 चली भी, अभी कम से कम 80,000 और चल जाएगी, मतलब 7-8,000 किलोमीटर तो चली जाएगी। बाकी इसमें मतलब आपको एक टायर का खर्चा तो एक्स्ट्रा आ ही जाएगा, टायर का आपको खर्चा करना ही पड़ेगा इसके अंदर। मेरे हिसाब से 15,000-1,000 में टायर डल रहने चाहिए इसके। तो ये 71,000 आप बोल रहे थे ना चली है, ये तो विद रिकॉर्ड चली हुई है? ये सर्विस रिकॉर्ड्स के चली हुई है। सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा इसका कंपनी? आपके पास अवेलेबल है या निकलवाना पड़ेगा कस्टमर को? नहीं, हमारे पास अवेलेबल है, हम ही दे देंगे। अच्छा, मिल जाएगा, मतलब ऑन रिकॉर्ड चली हुई है, तब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल फिर, लेकिन आप जो इसकी वारंटी वगैरह देते हो वो भी आप बताई दो। वैसे कंपनी की वारंटी तो इसकी खत्म हो चुकी होगी, 18 मॉडल है ना ये? हाँ, तो कंपनी की वारंटी थोड़ी बहुत बची होगी, तो बची होगी, 5 साल की होती है तो बची होगी। बाकी आप अपनी तरफ से क्या वारंटी दोगे अपने कस्टमर को? सबसे इंजन की वारंटी होती है 3 मंथ्स की, इनकेस इंजन में कोई 3 मंथ्स में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को एक भी पैसा नहीं लगाना, जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे। और एक्सीडेंटल की तो गारंटी, एक्सीडेंट गाड़ी का बेचते ना लेते। फिर मीटर टेम्पर भी नहीं होगा, जब अगर सर्विस रिकॉर्ड है तो मीटर टेम्पर भी होगा नहीं, ठीक है। बाकी बाहर से देखो कुछ ऐसी लुक्स है गाड़ी की, मेरे को तो कहीं भी एक भी डेंट वेंट कुछ नहीं दिख रहा, एकदम न्यू गाड़ी लग रही है। बाकी भैया पेंट वगैरह हो रखी है क्या? एकदम चमक रही है। नहीं, पेंट हो रखी है गाड़ी, पूरी पेंट नहीं है, कुछ पीसेस पेंट है। कितने मतलब कितने परसेंट के लगभग कितने पेंट है? आगे पीछे के बोर्ड, ये बम्पर पेंट है। हाँ, उसके अलावा दो दरवाजे पेंट है, मतलब अच्छा, मतलब दो मेजर पीस ही पेंट है, लेकिन इसमें एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं है। स्क्रैचेस वगैरह होंगे नॉर्मल, तो वो हटाने के लिए भैया ने पेंट करवाएंगे, शार्क फिनिश इन आपको उसके अंदर मिल जाता है। चाबी कुछ ऐसी आपको मिल जाती है? चाबी भैया इसकी कितनी अवेलेबल है? दोनों चाबी अवेलेबल है। और इसका इंश्योरेंस का क्या सीन है? इंश्योरेंस भी वैलिड है इसका, तो मतलब आप दोनों चाबी आपको इंश्योरेंस वगैरह मिली जाएंगी। अब भैया ने काफ़ी इंश्योरेंस वाली गाड़ी रखनी चालू कर दी है, पहले तो सारी इंश्योरेंस वाली आपको मिल जाती है। बाकी ये आपको कंपनी फिटेड इसमें सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है, चारों पावर विंडो इसका इसमें आपको मिल जाती है, और एक इसमें आपको ऑटो अप डाउन फीचर भी इसका अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी जो शीशे हैं उनको फोल्ड वगैरह कर सकते हो, पर एक चीज़ मैंने इसमें देखी है, बाकी गाड़ियों में नहीं होती ये चीज़, ये गाड़ी जब आप ऑन करोगे ना तभी ये फोल्ड वगैरह होंगी, नहीं तो नहीं होती। तो ये आपको इसके अंदर फीचर मिल जाता है। बाकी ये सेट करने के लिए आपको यहाँ पर मिरर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपना बूट खोल सकते हो, यहाँ से अपना पेट्रोल टैंक और बोनट को ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ आपको अंदर का इंटीरियर मिल जाता है। एग्जैक्टली जो कंपनी का हॉर्न आता है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, और बाकी इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसमें है नहीं, और इसमें आपको जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम आपको यहाँ पे देख लिया आपने, इसमें अलग से एस एल और एल क्या है आप कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि नॉर्मली पी आर डी ई पी तो हमने देखा ही है, एन भी देखा हुआ है हमने,
SRL इसमें क्या है आप ये बताओ। बाकी यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाता है 12 वोल्ट का, यहाँ पे आप अपनी फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, यहाँ से आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिल रहा है, आपको मैनुअली ही सारा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी टिकट होल्डर वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट ज़रूर मिल जाता है जिसमें ठीक ठाक स्पेस है, नॉर्मल आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे भी आप बैठने वालों को आर्म रेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से आप अपनी फैमिली को लेकर ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं, बट पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस नहीं मिलेंगे। और आप देख रहे हो ये वाली चीज़ ऊपर रहती है नॉर्मली गाड़ियों में, और ड्राइवर साइड तो रहती भी नहीं है इस गाड़ी में, आपको वो मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये बस ये कि बाहर निकले हुए थोड़े से भद्दे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ उसको ऑफ कर दे रीडिंग लैंप्स। तो अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँ तो बिल्कुल ज़ीरो आवाज़ है, देखो गाड़ी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अंदर अगर मैं बात करूँ, एसी इसका एकदम चिल्ड कर रहा है इस गर्मी में भी, 41 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है दिल्ली में, फिर भी चिल्ड कर रहा है गाड़ी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ इंजन पे आपको यहाँ पे मिल जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो बिल्कुल भैया 70,000 ये चली भी है ये गाड़ी है? बिल्कुल न्यू लग रहा है बिल्कुल। इसमें ऐसा कुछ ना तेल वेल के कोई भी कहीं भी कुछ भी निशान नहीं है, हल्की सी धूल है बस इसके अंदर, बैटरी भी नहीं दिख रही है। मतलब लग रहा है मतलब कि हाँ भाई ज़्यादा चली हुई लग नहीं रही है, बाकी फर्स्ट ओनर है ना तो वन हैंड पर रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी केयर इसकी हो रखी है। बाकी अलॉयज जो है इसमें वो आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा के लगाए गए हैं, तो इसमें हमारे हम इसका कोई भी चार्ज इंक्लूड तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं भैया। तो भैया अब हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप बता ही दिया, अगर किसी को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी हो, देखनी हो गाड़ी, तो कहाँ आना है भैया? टेस्ट ड्राइव देखनी हो, डील करनी हो कि दिल्ली द्वारका में आना पड़ेगा, नियर द्वारका मोड़ अपोजिट NSIT कॉलेज। अच्छा, तो और टाइमिंग्स क्या अपनी वो भी शेयर कर दो। 10 to 7 है, बाकी फ़ोन पे भी अवेलेबल रहता है, नीचे आपको नंबर दिख जाएगा, और मैं गूगल मैप की लोकेशन भी नीचे डाल रहा हूँ, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, अपना मैकेनिक वगैरह लेकर आ सकते हैं ना गाड़ी चेक कराने के लिए। जिसको नॉलेज है उसी को भी लेकर आओ, कोई अगर भैया और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जैसे कस्टमर को, हमारे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी जो है @द्वारका मोटर एंड फाइनेंस। मतलब कई बार गाड़ी वीडियो बनने से पहले ही बिक जाती हैं, तो आप आते ही वहाँ पे डाल देते होगे ना? बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ पे भी आप जाकर कर सकते हो। बाकी ऑन टेबल नेगोशिएशन अवेलेबल है, आप जरा प्राइस बता दो आप गाड़ी का क्या रखते हो। प्राइस है क्या कहते हैं इसके, प्राइस 6.5 लाख रुपए डिमांड है, बाकी नेगोशिएबल है, ऑन टेबल नेगोशिएबल नहीं है, नेगोशिएबल हर गाड़ी पे होता है, बट हाँ लिटिल बिट नेगोशिएबल होता है। कई लोग होते हैं 6.5 से डिमांड है, कोई बोलेगा भाई 5.5, तो इतने नेगोशिएबल नहीं है, हाँ लिटिल बिट नेगोशिएबल। चलो ठीक है। और कमीशन वगैरह क्या रहता है भैया? 2 लाख तक डील होती है तो कमीशन 5,000 फिक्स होती है, और 2 लाख से ऊपर जो भी डील होती है वो 3% पर साइड होती है। और ट्रांसफर चार्जेस अलग से? ट्रांसफर चार्जेस अलग होते हैं, इंश्योरेंस ना हो तो इंश्योरेंस चार्जेस भी अलग होते हैं और कमीशन भी अलग होते हैं। तो इसमें हमें ट्रांसफर चार्जेस और कमीशन देने पड़ेंगे अलग से, वो सारा काम लेकिन आप करा के दे दोगे? सारा काउंटर पे होता है काम। अच्छा ठीक है। तो ऑन टेबल नेगोशिएशन हो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आप भैया से डायरेक्टली डील करके उसके बाद जो भी रेट आए उसके बाद हमारा रेफरेंस देके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे सकते हो, है ना भैया? हमारा रेफरेंस को देगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट पक्का मिलेगा भैया, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर ये चीज़ें हैं आप कर सकते हो यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, है आपको वीडियो और गाड़ी दोनों ही पसंद आई हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अभी इसको चला कर लेके चलेंगे। ऑटोमेटिक है तो दिल्ली के हिसाब से, अरे भैया एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में अगर 13-14 का माइलेज दे रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना तो देती है भैया नॉर्मली। तो भाई वो एक अच्छी चीज़ है अगर ऑटोमेटिक आपको दिल्ली शहर में मिल जाता है, आपको एक कम्फर्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।